मुल्तानी मिट्टी में ये मिला के लगा लो, आपकी स्किन इतनी ज्यादा टाइट ब्राइट, इतनी ज्यादा चमकदार हो जाएगी कि आप 50 की उम्र में भी 30 के लगेंगे। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होगी, स्वस्थ होगी और मस्त होगी। आज की रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुल्तानी मिट्टी से कैसे आप अपनी स्किन को टाइट ब्राइट और बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये हमारी स्किन को टाइट भी करती है। तो चलिए देख लेते हैं मुल्तानी मिट्टी से कैसे आप अपनी स्किन को टाइट ब्राइट क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। मैंने मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स तो आपको बता ही नहीं। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को टाइट करती है, ब्राइट करती है, हमारे पोर्स को भी टाइट करती है और हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को रोकती है। गर्मियां हैं, मानसून सीजन है और हमारी स्किन बहुत ज्यादा चिपचिप करने लगती है, तो अगर आप इस चिपचिप से बचना चाहते हैं, बार बार पसीना आता है, तो मुल्तानी मिट्टी का पैक जरूर लगाएं। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा यहाँ पे राइस फ्लावर। राइस फ्लावर एक बेहतरीन स्किन ब्राइटनर का काम करता है, जो कि कोरियन ग्लास स्किन जैसी कोरियन स्किन अपनी स्किन को चमकाने के लिए ये यूज करती है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच राइस फ्लावर चावल का आटा, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लास स्किन देता है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को टाइट भी करता है चावल का आटा। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच, हम इसमें डालेंगे मसूर दाल का पाउडर। जी हाँ, मसूर दाल हम सभी के घर में होती है, लाल मसूर की दाल। इसको आप पीस के मिक्सी में पाउडर बना लें। ये बहुत ही अच्छा स्किन ब्राइटनर का काम करता है और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट भी करता है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपके पास जो मसूर की दाल जिसे हम खाते हैं, उसको मिक्सी में पीस के बारीक कर लें और अपने चेहरे पर लगाएं। नहीं तो मार्केट में इसका पाउडर भी इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मसूर दाल पाउडर। इसमें डालूंगी चंदन पाउडर। जी हाँ, गर्मियां हैं और चंदन पैक नहीं लगाए तो क्या लगाया। चंदन फेस पैक क्या करता है, चंदन पाउडर ये हमारी स्किन को ठंडक देता है। हमारी स्किन से जितने भी मुहासों के मार्क्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, उसे दूर करता है। और अगर आपके चेहरे पे अभी एक्टिव पिंपल्स हैं, उसे भी सुखा देता है, नेचुरल हील कर देता है विदाउट उसके जो है जो मार्क्स होते हैं उसे छोड़े हुए। तो एक चम्मच में यहाँ पे डालूंगी चंदन पाउडर। आप अच्छी क्वालिटी का चंदन पाउडर ले, मार्केट में वैसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर जो भी आपको, क्योंकि चंदन पाउडर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पर अगर स्किन केयर की बात है तो आप अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चंदन पाउडर पे। तो कोई सा भी, मैं आपको वैसे लिंक दे दूंगी, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच अपना रोज वाटर यानी कि गुलाब जल। गुलाब जल क्या करता है, हथकर्मियों में हमारी स्किन को नेचुरल टोनर का काम करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ये हील करता है, हमारी स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गुलाब जल डाबर का, जो कि हर किसी के पास होता है। एक से दो बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल। अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच अपना दही कर्ड। इसमें हम लैक्टिक एसिड की मात्रा भरपूर होती है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और मात्र दही अपने फेस पे लगाने से आपकी स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्चराइज और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। दही का इस्तेमाल हम सभी के घर में होता ही है, तो चलिए आप चाहे तो घर की दही का ही इस्तेमाल करें, घर की फ्रेश दही का ही करना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी पैक की थोड़ी सी गाढ़ी है, तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा कर्ड यानी कि दही मिला के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। हमको गाढ़ा पैक ही चाहिए, मोटा पैक ही चाहिए, ताकि हमारी स्किन पे अच्छे से स्टेबल हो सके और हमारी स्किन पे अच्छे से मोटी परत लग सके, तो पतला हमको नहीं रखना है। तो चलिए अब इसके लगाने का तरीका भी देख लेते हैं। वैसे हम इस पैक को 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बारी आती है इसे लगाने की। तो लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने फेस को अच्छे से क्या करना है, वॉश कर देना है। यहाँ पे फिलहाल मेरे चेहरे पे मेकअप नहीं है, फिर भी मैं कॉटन पैड ले लूंगी, इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डिप करूंगी, अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि मुझे रोज वाटर बहुत अच्छा लगता है। अब बात आती है इस पैक को लगाने की। तो इस पैक को अपने चेहरे पे मोटा मोटा अपर डायरेक्शन में, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वैसे आपको करना है। आपको अपने पूरे चेहरे पे ऐसे लगाना है और इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हैंड पर भी लगा सकते हैं। यह आपके पैक को बहुत ज्यादा ब्राइट करेगा, टाइट करेगा। और अगर आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बार बार टैनिंग हो जाती है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा झुलस जा गई है, धूप में घूम घूम के काली पड़ चुकी है, डल पड़ चुकी है, तो आप इसका इस्तेमाल भी पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। ऐसे उपटन पैक भी है, जो कि हमारी स्किन को, उपटन जो होता है, उपटन पैक वैसा काम करता है।
तो चलिए अब ये बातें हो चुकी है, अभी मेरा बैग भी सूख चुका है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से हल्का सा अपने हैंड्स को गीला करूंगी। आप चाहे तो, मैं फिलहाल ये रोज वाटर ले रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा अपने चेहरे पे, सॉरी हाथ पे थोड़ा सा गुलाब जल लूंगी और अपने चेहरे पे अच्छे से इसको, बैग को मैं हल्का हल्का गीला कर दूंगी गुलाब जल से, और सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर टिप्स से अच्छे से मैंने करनी है 1 मिनट तक मसाज। मसाज बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे फेशियल मसल्स को टाइट करता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो मसल्स होते हैं उसे टाइट करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन इससे ग्लोइंग बनती है। तो हमें अच्छे से अपने चेहरे पे ये मसाज करनी है 1 मिनट तक, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। ऐसे ही अपने चेहरे को आप वॉश करेंगे, आपको खुद फील हो जाएगा कि कितना बढ़िया पैक है और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा बेबी सॉफ्ट हो जाएगी कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं नेचुरल रेमेडीज यूज़ करती हूँ और मुझे नेचुरल रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। घर में ही नेचुरल चीज़ों से अगर आप करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और घर की ही छोटी मोटी चीज़ों से हम अपना स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड, बाय, ना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।